हाय गाइस, मैं हूँ हमज़ा हुसैन। तो गाइस, आपको कभी लगता है कि सेलिब्रिटीज़ कुछ भी पहनते हैं वो उन पर इतना अच्छा क्यों लगता है और ट्रेंड भी हो जाता है? मैं आपको आज स्टाइलिंग के बारे में टिप्स देने वाला हूँ, जिसमें आज मैं आपको टी शर्ट स्टाइलिंग के बारे में बताऊँगा, जिससे आप स्मार्ट, हैंडसम और सेक्सी लगोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फिटिंग के बारे में। एक अच्छा फिट आपके टी शर्ट को और आपकी बॉडी को एक स्मार्ट लुक दे सकता है। तो सबसे पहले स्लीव्स के बारे में। स्लीव्स अगर हाफ स्लीव्स है तो उसकी लेंथ जो है आपके आर्म्स के हाफ वे होनी चाहिए और थोड़ी सी टाइट होनी चाहिए। और अगर उसको आप फुल स्लीव है तो उसको आप 3/4 करके ऊपर थोड़ा सा करके स्टाइल करें। इसके बाद बात करते हैं कॉलर के बारे में। कॉलर राउंड नेक या वी शेप होनी चाहिए और उसका एक थिन रिंग होना चाहिए। ये आपको एक यंगर लुक देगा। और अगर आप एक फॉर्मल लुक चाहते हैं तो पोलो कॉलर चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जो टी शर्ट है उसका जो चेस्ट के एरिया से थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी का वो शेप ले सके और एक अच्छा लुक दे आपको। इसके बाद आपकी जो टी शर्ट है वो आपके एब्डोमेन और स्टमक एरिया से थोड़ी सी लूज़ होनी चाहिए, ताकि वो एकदम आपके स्टमक को पकड़ ना ले, क्योंकि सबका टमी फिट नहीं होता और ये नज़र नहीं आना चाहिए। टी शर्ट की जो लेंथ है वो आपके वेस्ट से थोड़ी सी नीचे होनी चाहिए, ताकि जब आप हाथ ऊपर करें तो आपका स्टमक ना दिखे। अब इसके बाद बात करते हैं कलर्स के बारे में। तो आप जब अपने लिए टी शर्ट का कलर सिलेक्ट करें तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखें कि टी शर्ट का कलर और आपके स्किन टोन ब्लेंड ना हो और थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट लगे। जैसे अगर आप फेयर स्किन्ड हो तो आपको नॉर्मल टू डार्कर शेड वाले टी शर्ट सूट करेंगे, और अगर आप डार्क स्किन हो तो आपको लाइटर टू नॉर्मल शेड वाले टी शर्ट सूट करेंगे। और सारे कलर्स ट्राई ज़रूर करें, जैसे डार्क ब्लू और लाइट ब्लू, ये दोनों एक अलग स्किन टाइप पे अच्छा लगेगा। और साथ ही आपकी बॉडी स्ट्रक्चर और फिटनेस पे भी ये डिपेंड करेगा कि उसका लुक कैसा आ रहा है। और अब बात करते हैं टी शर्ट्स के प्रिंट्स के बारे में। तो आप मल्टी कलर या फैंसी प्रिंट्स के टी शर्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बट ध्यान रखें कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो कलर हो आपके टी शर्ट के कलर के अलावा। अगर बहुत ज़्यादा कलर्स हो जाएंगे तो ये बहुत ही ऑड लगता है और थोड़ा चाइल्डिश लगने लगता है, तो इसे अवॉइड करें। सो गाइस, ये सिंपल टिप्स है मेरे टी शर्ट स्टाइलिंग के बारे में, जिससे आपको एक स्मार्ट लुक मिलेगा और आपकी पर्सनैलिटी और भी अट्रैक्टिव हो जाएगी। सो गाइस, अब बात आती है फिटनेस की। तो गाइज़, अगर आप यंग हो तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपनी बॉडी को फिट रखें। चाहे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें, या जिमिंग हो, स्विमिंग हो, साइकिलिंग हो, कुछ भी करें, लेकिन अपनी बॉडी को फिट ज़रूर रखें। तो गाइज़, अब सबसे मेन बात करते हैं कॉन्फिडेंस की। तो एक बात ज़रूर याद रखें, अगर आपकी ड्रेसिंग अच्छी होती है, आपकी स्टाइलिंग अच्छी होती है, तो आपके अंदर से खुद से एक कॉन्फिडेंस आता है, और जब वो आपके सराउंडिंग में आपको लोग नोटिस करते हैं तो उससे भी एक बूस्ट मिलता है। सो गाइज़, ये थे मेरे बेसिक टिप्स टी शर्ट स्टाइलिंग के बारे में। आने वाले वीडियो में मैं और भी स्टाइलिंग के बारे में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू गाइज, सी यू अगेन, बाय बाय।